गाइस, कॉर्न यानी कि भुट्टा हम सब कितना शौक से खाते हैं, पर इसके जो बाल होते हैं जिसे कि कॉर्न सिल्क कहा जाता है, इसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं इसके सही इस्तेमाल से कितनी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, आर्थराइटिस, पेट में सूजन और यहाँ तक कि यूटीआई इन्फेक्शंस भी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कॉर्न सिल्क को लेने के क्या क्या फायदे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना था तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि कॉर्न सिल्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें और अपनी बीमारियां ठीक कर सकें। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए इसे लेना बहुत फायदेमंद है। कॉर्न सिल्क बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ये बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कम करता है। अब इसे कैसे लेना है इसके बारे में भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी आज एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है, जिससे बच्चे और बड़े दोनों ही परेशान हैं। लेकिन लगातार कॉर्न सिल्क लेने से बॉडी में जो भी वेस्ट है या टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। जिन लोगों को जल्दी इंच लॉस चाहिए वो कॉर्न सिल्क की चाय दिन में 2 बार लगातार कुछ दिन लें, इसके रिजल्ट्स बहुत ही मैजिकल हैं। अब इसकी चाय कैसे बनानी है इसकी रेसिपी भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। आगे बढ़ते हुए, जिन लोगों को आर्थराइटिस है यानी कि जोड़ों में दर्द है, उनके लिए भी इसे लेना बहुत फायदेमंद है। आर्थराइटिस होने पर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और ये बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाने की वजह से होता है। अगर कॉर्न सिल्क की चाय कुछ दिन लगातार दिन में 2 बार ली जाए तो इस दर्द से भी छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। उसी तरह ये किडनी प्रॉब्लम्स और यूटीआई इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट्स यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले पेन और इरिटेशन से जल्दी राहत दिलाते हैं। कॉर्न सिल्क किडनी में पथरी बनना यानी कि स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस को बहुत कम कर देता है। ये यूटीआई, ब्लैडर इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन जैसी प्रॉब्लम्स में असरदार तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ ये बाइल सिक्रेशन को बढ़ाकर खाने की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ये इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड प्रोस्टेट ग्लैंड को सूथ करने में भी बहुत हेल्प करता है। जिनको हाई बीपी रहता है, कॉर्न सिल्क टी उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है और इसे भी कुछ दिन लगातार लेने से ये हाई बीपी को कम कर सकती है। कॉर्न सिल्क की चाय लेने से डाइजेशन भी अच्छा होता है, ये बाइल सिक्रेशन को बढ़ाकर प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करती है। कॉर्न सिल्क टी का यूज एक नेचुरल डायरेटिक एजेंट के रूप में होता आया है, ये बॉडी से एक्सेस पानी और वेस्ट को बाहर कर वाटर रिटेंशन और उससे होने वाली प्रॉब्लम से भी आराम दिलाती है। कॉर्न सिल्क विटामिन के में बहुत रिच है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो चोट लगने पर यह एक्सेसिव ब्लड लॉस से भी बचाता है। बच्चे खासकर और कई बार बड़े भी बेड वेटिंग से परेशान होते हैं। कॉर्न सिल्क टी इस प्रॉब्लम के लिए भी एक बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है। इसके लिए सोने से पहले 1 कप कॉर्न सिल्क टी पीकर सोएं, कुछ ही दिनों में आपको फर्क लगेगा। क्योंकि कॉर्न सिल्क विटामिन सी से भरपूर होता है तो ये हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी करता है और कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। ये स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है। कॉर्न सिल्क टी का यूज स्किन की कॉमन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में किया जा सकता है, जैसे कि रैशेस, बॉयल्स, इचिंग, माइनर कट्स एक्सेट्रा। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इन्फेक्शन से बचाती भी हैं और उन्हें ठीक भी करती हैं। अब बात करते हैं कि किस किस को इसे लेना अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट लेडीज और जो लोग मेडिकेशन पर हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे लें। इसे कभी भी डायरेक्टली नहीं खाना है, ये खून में पोटेशियम के लेवल को कम कर सकता है, जिससे कि स्किन प्रॉब्लम्स और एलर्जीज हो सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज इसे लेते वक्त क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको कॉर्न से एलर्जी है तो इसे लेना अवॉइड करें। अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसके साथ भी इसे ना लें। डायबिटिक लोग इसे अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब बात करते हैं कि इस चाय को बनाना कैसे है। इसके लिए एक पैन में 2 कप पानी उबलना रखें। इसमें करीब 500 ग्राम कॉर्न सिल्क डाल दें। आप ड्राइड या फ्रेश कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ फ्रेश कॉर्न सिल्क लिए हैं और हमें इसे 15 से 20 मिनट तक उबालना है। अब इसे छान लेते हैं। इसे आप दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि इसे हर रोज फ्रेश बनाकर ही पिएं। तो अब आप इसके फायदे जान ही चुके हैं, तो अगली बार जब भी आप भुट्टा खाएं तो इसके कॉर्न सिल्क को वेस्ट ना करें। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर यूजफुल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट।